भगवद गीता व कुरान ये दोनों ही अलग अलग धर्म की पवित्र पुस्तक हैं। कुरान क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मुसलमान या इस्लाम धर्म के लोग जिस पवित्र पुस्तक को मानते हैं वो ही कुरान है, जिनमें कई ऐसे नियम लिखे हैं जिनके अनुसार ही अधिकतर मुसलमान अपना जीवन व्यापन करते हैं। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी गई है, जिसमें इनके ईश्वर ने अपने धर्म और खुद की पूजा करने को कहा है और कहा है कि यदि किसी और ईश्वर को माना तो नरक की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारे ऐसे ही कई नियम हैं जिन्हें सभी मुसलमान बड़ी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। अब बताइए भगवद गीता क्या है, चलिए जानते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा महाभारत के समय कई उपदेश दिए गए थे। ये उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिए और धर्म और कर्म का सही अर्थ बताया। यदि कोई हिंदू सही से इन नियमों का पालन करे तो वो असल में सभी कार्य धर्म से करता है। भगवान विष्णु ने बताया है कि कर्म ही धर्म है और उन्होंने किसी भी ईश्वर को मानने से लोगों को अपना सहयोग देने की बात भी की है। उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं कि उन्हें ही ईश्वर माना जाए, उनका मानना है कि किसी भी सच्ची आराधना करना आवश्यक है। वो भले ही कोई और ईश्वर क्यों ना हो, उनका मानना है कि एक गृहस्थ व्यक्ति जब सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यापन करता है तो असल में वही व्यक्ति एक साधु संत और धर्म का वहन करने वाला है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है और भगवद गीता हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है। कुरान में कुछ अलग नियमों का पालन किया जाता है भगवद गीता से। कुरान को इस्लाम के देवता द्वारा लिखा गया था, जबकि भगवद गीता में हिंदुओं के भगवान विष्णु द्वारा दिए गए उपदेशों के आधार पर लिखा गया है। मुस्लिम कुरान को ही सबसे अधिक मानते हैं, जबकि भगवद गीता के अलावा भी कई ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदू बड़ी श्रद्धा के साथ मानते हैं। इस्लाम में कुरान की ही पूजा होती है, जबकि भगवद गीता में सही मार्गदर्शन कराने के लिए लिखी गई थी और हिंदुओं में पूजा विभिन्न भगवानों की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो